बच्चों आज तुम लोगों को मैं भिन्न पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? भिन्न। ठीक है ना, पहले आइए देखते हैं। देखिए साथियों, हम लोग को मैथ्स जो है ELPS के तहत पढ़ाना है। बच्चों के अनुभव से जोड़ते हुए भाषा पे ले जाएंगे, फिर चित्र के माध्यम से भिन्न को समझाएंगे और सिंबल का प्रयोग करते हुए बताएंगे कि भिन्न कैसे होता है। ये ELPS के थ्रू ही गणित हमको पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है। बेटा आप लोग तैयार हैं? यस मैम। ठीक। अच्छा, जिसको मैं बोलूंगी वो करेगा। ये कितने हैं अंकित, बताइए कितना पेन है? इसको दो बराबर भागों में बांटिए बेटा। दो बराबर भागों में बांट दिया। यस मैम। क्लैप करो। अब इसको जैसे ये फिर एक कर देते, इसको चार बराबर भागों में बांटिए। ठीक। yes. ये चार बराबर भाग हुआ। यस मैम। ठीक है ना, इसमें आपको समझ में आ गया? तो जब हम उधर आइए देखिए। yes, ये देखिए, ये एक केक था, इसको जब बराबर बांटा तो कितने भाग में बटा? तो एक बटा दो। ठीक। एक बटा दो। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को भाग। ठीक। और इसको किस भाषा में, एक बटा को किस भाषा में पढ़ते हैं? एक बटा दो। ठीक। अच्छा, ये चिन्ह जो होता है किसका होता है? बटा। हाँ, बटा। भिन्न में जो है जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसी को बांटने में, ठीक है, इसी चिन्ह का सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब एक और चीज है, आप लोग को चित्र के माध्यम से और बताएंगे। इधर आइए सारे बच्चे, आप लोग इधर आइए, खड़े हो जाइए सबके सब। ठीक। ये एक गोला है, ठीक है ना। ये कितने खानों में बटा है? दस। गिनिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक। अब इस दस में से कितना गोला रंगा है? एक। कितना? एक। तो ये क्या हो गया? एक दसवां। यानी पूरे उसका दसवां हिस्सा, ठीक है ना। दस में से सिर्फ एक बटा है ना। यस मैम। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक बटा दस। एक बटा दस, ठीक है ना। दस खानों में से कितना रंगा है? एक। अच्छा, ऊपर वाले को क्या भी हमने बताया था? हो गया और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एक बटा दस। ठीक है। अब हमको बताएंगे इसको हम अंश छुपा लें। ठीक। हमको वो बताइए, अंश बताइए। अंश इधर आइए बेटा। हाँ अंश, आप बताइए कि कितने खाने हैं? दस। दस में से कितना हिस्सा रंगा है? दो। दो। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे भिन्न में, कैसे लिखेंगे? दो बटा दस। वेरी गुड, क्लैप करो। दो बटा। अच्छा, आप आगे आइए। ठीक है। ये कितना हिस्सा है बेटा? दस। दस। हाँ, दस में से कितना रंगा है? तीन। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? तीन बटा दस। वेरी गुड, क्लैप करो। हाँ, बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। इसको बेटा दशमलव में भी लिखते हैं। आगे देखिए, जब भाग दे देंगे एक में दस से तो कितना दशमलव में आएगा? जीरो दशमलव एक। हाँ, और लिखने पढ़ते हम शून्य दशमलव एक। ऐसे ही दो को जब हम दस से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य दशमलव दो। ठीक है, आप लोग को समझ में सबको आया? यस मैम। अब आप लोग सवाल लगा लेंगे। यस मैम। इधर देखिए सारे बच्चे, क्लैप करो भाई। बच्चों भिन्न समझ में आ गया? यस मैम। अब आप लोग करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। ठीक है, प्रक्रिया आधारित है। हाँ सूरज, आप बताइए क्या लिखा है बेटा? दो बटा चार। दो बटा चार। अच्छा, ये चार भाग में बटा कितना हिस्सा रंगा होना चाहिए सूरज? मैम दो। दो। कौन कौन सा? मैम ये। हाँ, कोई भी दो। वेरी गुड। आप अंकित बताइए ये क्या लिखा है बेटा? तीन बटा चार। हाँ, तो कितना हिस्सा रंगेंगे? तीन।
तीन। हाँ वेरी गुड। अंकुश बताइए। दो बटा पाँच। हाँ कितना हिस्सा रंगेंगे बेटा इसमें से? दो। सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा अब आगे देखिए, निम्न चित्रों को भिन्न के रूप में प्रकट करना है, ठीक है ना? कौन बताएगा हमको बताएं? कौन भिन्न के रूप में? आप बताइएगा आयुषी। अच्छा रुकिए आयुषी। हाँ हाँ अब बताइए इसको कैसे भिन्न में लिखेंगे इस चित्र को? इस चित्र को हाँ 2/4। वेरी गुड, क्लैप करो। 2/4। अच्छा ये बताइए आयुषी कितने भाग में बटा है पहले गिनिए? 6 भाग में बटा है। हाँ तो 6 में से कितना रंगा है और इसको भिन्न में कैसे प्रदर्शित करें? हाँ तो भिन्न में कैसे लिखेंगे बेटा? 3/6। हाँ फिर से बोलिए। 3/6। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे कर लेंगे। यस मैम। अब अपनी कॉपी में बनाइए और इसको हमको करके दिखाएंगे, ठीक है ना? यस मैम। वेरी गुड।